हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 23 सितंबर 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। और अब जो करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले करंट अफेयर्स के ऊपर 23 सितंबर 2019 के। लास्ट वीडियो हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर मैं डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में किस पुलिस द्वारा विकसित तत्पर ऐप लॉन्च की गई? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली पुलिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली पुलिस द्वारा विकसित तत्पर ऐप लॉन्च की गई है और यह 50 से अधिक नागरिक केंद्रित सेवाओं तक पहुंच के लिए एक स्टॉप गंतव्य है। और यह दिल्ली पुलिस की सभी वेबसाइटों और मोबाइल ऐप और 50 से अधिक सेवाओं को समाहित करती है जिन तक आप सिर्फ एक टच से पहुंचा जा सकता है। और इस ऐप के माध्यम से नागरिक अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन, ट्रैफिक पिट और प्रीपेड टैक्सी बूथ पर जा सकते हैं। ठीक है, तो तत्पर ऐप आपको याद रखना है कि किस पुलिस द्वारा लॉन्च की गई है, तो आपको याद रखना है दिल्ली पुलिस। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। कहां पर स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, और ये छात्रों को औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश करेगा जो स्नातक, परास्नातक और डॉक्टरेट की उपाधि के साथ साथ पुलिस विज्ञान में पीजी डिप्लोमा प्रदान करेगा। राजस्थान, झारखंड और गुजरात जैसे राज्यों से पहले से ही समर्पित पुलिस विश्वविद्यालय है। तो आपको यह याद रखना कि राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहां पर? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, अब इसका आंसर उत्तर प्रदेश है, तो हम उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। डेट ऑफ फॉर्मेशन जो है उत्तर प्रदेश की वो है 24 जनवरी 1950। यहाँ की जो लैंग्वेज है वो हिंदी, भोजपुरी और उर्दू। यहाँ की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश नोन फॉर शुगर केन बॉल ऑफ इंडिया एंड मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया। यहाँ के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ। यहाँ के जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। मेजर रिवर्स जो है यहाँ की वो है गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा और रामगंगा। यहाँ के जो नेशनल पार्क है इम्पोर्टेंट वो है दुधवा नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम बात कर लेते हैं, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ के जो स्टेट एनिमल है वो है स्वैम्प डीर, स्टेट बर्ड जो है वो है सेरस क्रेन, स्टेट फ्लावर जो है वो है पालश, और मेजर डांस फॉर्म जो है वो है कथक, लखनऊ घराना। ठीक है, इतना पॉइंट आपको यूपी से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा रेलवे स्टेशन देश का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है जिससे CII IGBC मतलब इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बन गया है जिसे इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है। यह रेटिंग इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है और ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग ग्रीन अवधारणाओं को अपनाने की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन देश का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है जिससे CII IGBC इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में पश्चिम रेलवे ने पहली बार किस में एक पॉलीथीन टेरेफ्थेलेट बॉटल क्रशिंग मशीन स्थापित की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई राजधानी एक्सप्रेस। मुंबई राजधानी एक्सप्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम रेलवे ने पहली बार मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में एक पॉलीथीन
टेरेफ्लेट बॉटल क्रशिंग मशीन स्थापित की है और यह मशीन प्रतिदिन 3,000 बोटलों को क्रश कर सकती है। कितने बोटलों को क्रश कर सकती है? 3,000, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और पॉलिथीन टेरेफ्लेट बोटल क्रेशर मशीन को भारतीय रेलवे के स्वच्छ भारत और गो ग्रीन मिशन के हिस्से के रूप में ट्रेन में स्थापित किया गया था और यह मशीन सभी प्रकार की पॉलिथीन टेरेफ्लेट बोटलों को स्वीकार कर सकती है, ठीक है। तो आपको आंसर याद रखना है, मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में यह मशीन स्थापित की गई है, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में विश्व अल्जाइमर महीना 2019 का विषय क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेजिंग अवेयरनेस एंड चैलेंजिंग स्टिग्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व अल्जाइमर महीना 2019 का जो विषय है वो है रेजिंग अवेयरनेस एंड चैलेंजिंग स्टिग्मा, ठीक है। और विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है, ये आप नोट कर लीजिए। विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है और सितंबर का महीना अल्जाइमर और अन्य मनोभ्रंश स्थितियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और 2018 के विश्व अल्जाइमर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 50 मिलियन से अधिक लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। और विश्व अल्जाइमर का महीना 2019 का जो विषय है वो है रेजिंग अवेयरनेस एंड चैलेंजिंग स्टिग्मा है, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2019 कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21 सितंबर। 21 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर वर्ष 21 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है और महासभा ने इसे सभी देशों और लोगों के बीच शांति के आदर्शों को मजबूत करने के लिए समर्पित दिन के रूप में घोषित किया है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2019 का जो विषय है वो है क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस। क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, आप पूरा लिखेंगे इसको, क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस, ठीक है। और यूएन का जो मुख्यालय है वो आपको पता ही होगा, न्यूयॉर्क में, यूएसए में, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2019 कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को और इसका जो विषय है वो है क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस, ठीक है। चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कहां स्वच्छ भारत विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्धा। वर्धा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए वर्धा में स्वच्छ भारत विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है और यह विश्वविद्यालय सफाई, स्वच्छता और पर्यावरण में अनुसंधान अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करेगा और राज्य में विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं को देखने के लिए शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, ठीक है। तो महाराष्ट्र सरकार ने वर्धा में स्वच्छ भारत विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ महाराष्ट्र की बात हो रही है तो महाराष्ट्र के हम इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। डेट ऑफ फॉर्मेशन जो है महाराष्ट्र की वो है 1 मई 1960। यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है मराठी। यहाँ की जो कैपिटल है वो है मुंबई। और महाराष्ट्र नोन फॉर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया। यहाँ के जो सीएम है वो है देवेंद्र फडणवीस। यहाँ के जो गवर्नर है वो है सी विद्यासागर राव। यहाँ के जो मेजर रिवर्स हैं वो है गोदावरी रिवर फ्लोइंग फ्रॉम ब्रह्मगिरी माउंटेन इन महाराष्ट्र। यहाँ के जो नेशनल पार्क है वो है तडोबो नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और गुगामेल नेशनल पार्क। अब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात कर लेते हैं। अम्बा बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और करनाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ के जो स्टेट एनिमल है वो है गैंड स्क्वायरल। स्टेट बर्ड जो है वो है ग्रीन इंपीरियल पीजन। यहाँ के जो स्टेट फ्लावर है वो है जारुल। यहाँ के जो मेजर डांस फॉर्म है वो है लावणी, कोली डांस, डिंडी और धनगरी गाजा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने 2019 से 2021 तक के 2 साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में सदस्यता हासिल की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब ने 2019 से 2021 तक के 2 सालों की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में सदस्यता हासिल की है और यह चुनाव ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जनरल कॉन्फ्रेंस के 63वें सत्र में हुआ है और यह बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की अधिकांश नीति बनाने के लिए जिम्मेदार है और
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की गतिविधियों पर सामान्य सम्मेलन की अनुशंसा करता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में सदस्यता किसने हासिल की है? तो सऊदी अरब ने हासिल की, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का क्विज का क्वेश्चन देख लीजिए। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है, हाल ही में आईफा 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला का पुरस्कार किसने जीता? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस तरह के बेल आइकन को हिट जरूर कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।